हाय गाइस, तो कैसे आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फ्री फायर में आपको पता है काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट आ चुकी हैं, तो कवर करेंगे उसी वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि इंस्टाग्राम 19 होता है तो मैं भूल जाता हूँ, तो 90 के क्रॉस कर चुका है। आई होप कि 100 के आप लोग जल्दी करवा देंगे। पीआरजी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। चलें दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, थोड़ा बहुत फन भी करेंगे और काफ़ी अच्छी अपडेट को कवर भी करेंगे। चलें फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे फ्री फायर को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली वीडियो आएगी और काफ़ी मज़ेदार वीडियो। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी देखी है, बाकी मैं रिएक्शन वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। पीआरजी आर्मी में शाम के टाइम वीडियो आएगी, ट्राई करूंगा यार रिएक्शन वीडियो किस तरह की बनती है, और ये वीडियो काफ़ी मज़े की है, तो वीडियो आप ज़रूर देखना। चले दोस्तों, बात करें ड्रैगन अप की, तो रात को वीडियो मैंने बना ली थी 10 बजे पीआरजी आर्मी के ऊपर कि आने वाली है ड्रैगन अप। अभी हम करेंगे क्लेम इसको। चले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कितने बॉक्स में निकलती है और इसकी कितनी पावर है, तो कितना डैमेज है। तो भाई मैंने यहाँ पर ओपन किया बॉक्स, तो भाई घंटा कुछ नहीं मिला। तो यार वॉचर 10 लगा दिए लेकिन मिला कुछ भी नहीं। चलो ट्राई करते हैं, एक और ओपन करते हैं, स्पिन मिला है फ्री का। तो आई होप कि फ्री फायर हमको दे दो, फ्री फायर एक डायमंड पे दे दो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डायमंड पे थोड़ी देगी, एक वाउचर भी दे दो। चले हम ओपन करते हैं वाउचर, तो फ्री फायर दे देना यार। काफ़ी ओपी लगी मेरे को, एबिलिटी इतनी मज़े की नहीं लेकिन यार इसका जो गन का लुक बहुत अच्छा है। ओ भाई फामस, तो कुछ नहीं निकला। तो देखते रहे, मैं अभी टैप 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 करूँगा तो जैसे बाकी लोग करते हैं तो उनकी निकल भी आती है। तो भाई निकल जा, ए बॉक्स ओपन हुआ, क्या निकला। अबे यार फामस, फामस तो चाहिए नहीं यार, फिर भी फामस दीने। चले करते हैं देसी जुगाड़, यहाँ से चलते हैं अपनी जो पेट वगैरह को चेंज करके आ गया हूँ। मैंने करेक्टर चेंज किया और अपनी जो पेट है उसको हटा दिया है, तो यहाँ पर जो करेक्टर है वो भी एडम ले लेते हैं, एडम चाचा। तो एडम चाचा जी ग्रेट, तो हमने एडम चाचा लेने के बाद अभी ओपन करेंगे 600 डायमंड का स्पिन पे, लेक करते हैं क्या निकलता है। एक पे फामस, अबे यार फामस, चलें फिर से मारते हैं एक स्पिन, तो क्या निकला। अबे निकल जा, अरे M4A1, वो भी कुछ डेज के लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से मारते हैं स्पिन। तो भाई साहब पर्पल, अबे यार एक के यार नहीं चाहिए एक के, चलो भाई क्या करें। चले 600 का मारते हैं अब, तो आई होप कि हमको मिल जाए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। क्या निकला क्या निकला, MP40। अबे यार ये सारी गन है मेरे पास, परमानेंट कुछ दे दो भाई, दे दो फ्री फायर दे दो यार, क्या करते हैं फ्री फायर। तो आई चला टैप 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 टैप, अभी तो भाई निकाल के रहनी है। चलो भाई साहब ओपन ओपन, 600 डायमंड फिर लगा दिए, जितने डायमंड मर्जी लग जाए लेकिन हमने ड्रैगन अप की स्किन नहीं छोड़नी। तो भाई साहब क्या निकलता है यहाँ पर, क्या निकलता है। अबे यार दे दो फ्री फायर, क्या क्यों तरसाती हो यार, बच्चे की जान लगो क्या। चलो फिर से स्पिन मारते हैं 600 का, तो ओके यहाँ से फिर से, यानी कि 600 के दो मरतबा मैं स्पिन कर चुका हूँ। तो यहाँ से पहले एक देखते हैं क्या निकला, तो कुछ नहीं निकला अभी यार। 600 का स्पिन मारना चाहिए मुझे लगता है, फ्री फायर देगी। तो फाइनली फिर से मैंने 600 का स्पिन मारा, तो बॉक्स गिरा और क्या निकला, तो क्या परमानेंट परमानेंट दे दो भाई, फ्री फायर दे दे यार फ्री। ओ भाई, ओ भाई साहब, फ्री फायर ने परमानेंट मेरे को ड्रैगन अप की स्किन दे दी, ओ पी। तो फाइनली हमको मिल चुकी है ये वाली गन की स्किन, तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। तो एनिमेशन पे काफ़ी अच्छे हैं यार ड्रैगन अप, तो इसके बाद तो और भी बहुत आने वाली है, डबल रेट ऑफ फायर, डबल डैमेज, डबल आर्मर पेनिट्रेशन, लेकिन यार जो ये वाली फर्स्ट आई है ना, इसको तो क्लेम करना बनता ही था। चलें इस पर क्लिक करके देखते हैं इसकी जो बाकी एक लुक देखते हैं कि लुक कैसा है इसका। यहाँ पर इतना ख़ास लुक नहीं आता, जब हम क्लेम करते हैं तब तो बहुत काफ़ी ओपी होता है। बाकी इसका डैमेज भी चेक करेंगे कितना डैमेज है यहाँ पर, तो इसको ओके करके चलते हैं अपने कलेक्शन में। तो कलेक्शन में जाके चेक करते हैं वहाँ पर क्या इसका एनिमेशन आ रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो इसके बाद हम चलेंगे गेम में, तो गेम में भी यार काफ़ी फन हुआ है, तो वही मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलें इसमें फ्री वाली चीज़ें क्लेम कर ली है, बाकी स्पिन मारने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सबसे रेयर आइटम तो हमको मिल ही चुका है। चलें दोस्तों 1, 2, 3 चलते हैं कलेक्शन वाले सेटिंग के अंदर। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फ्लेम ड्रैगन का तो आपको पता ही है कि लेवल 7 कर चुके हैं। ओ भाई साहब क्या लुक है यार, क्या लुक है इसका। तो ड्रैगन अप की स्किन काफ़ी ओपी है, सिंगल डैमेज मैगजीन ज़्यादा और एक्यूरेसी कम, तो एक्यूरेसी थोड़ी कम है इसका प्रॉब्लम है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिप हॉप बंडल के साथ काफ़ी ओपी लग रही है, तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त हो गया।
अपडेट से पहले हम बात कर लेते हैं वन एक्स बेट की। तो वन एक्स बेट का आपको पता ही होगा कि आप बेट वगैरह लगा के काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। और गाइस आपको पता है इंडिया में क्रिकेट प्रीमियर लीग चला हुआ है, आईपीएल चला हुआ है, तो आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। सिंपल आपने प्रेडिक्शन देनी है टीम के ऊपर, अगर आपकी टीम विन करती है तो आपको खूब सारे पैसे आप कमा सकते हैं वन एक्स बेट के जरिए। तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वन एक्स बेट का, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो अगर आप मेरा कोड लगाएंगे जो कि आपको कमेंट में पिन में दिख जाएगा कोड, अगर आप वो कोड लगा के फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो आपको 100 यूरो का बोनस भी मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों एक दफा ट्राई जरूर करना वन एक्स बेट को। तो गाइज हमने क्या किया कि ड्रैगन एफ को क्लेम करने के बाद सोचा क्यों ना क्लासिक गेम लगाई जाए, वहाँ से हम ट्रायल करेंगे अपने ड्रैगन एफ स्किन का। इसलिए हम उतरे शिपयार्ड के ऊपर। शिपयार्ड पे उतरने का रीज़न यह था कि हमने कहा साइड पे उतरेंगे तो यहाँ पे हमें एयर ड्रॉप मिल जाए, कोई अच्छा सा एयर ड्रॉप, नहीं तो कोई बाउंड्री टोकन से ओपन करके हम ड्रैगन एफ की स्किन निकाल लें। लेकिन हमने जैसे लैंड किया तो यहाँ पे हमें उस तरफ एनिमी भी मिले थे जिनको मेरे टीम मेट ने किल किया, मुझे को तो किल करने का मौका देते ही नहीं है, खुद ही निपटा देते हैं। इसलिए मैंने चुप करके लूट की और लूट करने के बाद मैं निकल गया साइड पर अकेले जाने के बाद मेरे साथ यार को थोड़ा सा सीन हो गया क्योंकि मेरे को पकड़ लिया एनिमी ने, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई वहाँ से। चले चल के दिखाता हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ। यहाँ मैं लालच में अपनी मस्ती में गुम था और यहाँ पर मैं जैसे ही सामने गया हूँ तो सामने मेरे को बंदे नज़र आ गए कि भाई आजा तेरा इंतज़ार है। इसलिए भाई मैं वापसी उधर कल्टी मारा और ऊपर भागने की किया, मैंने कहा कि बस मेरे को फायर ना मारे, और मैंने इसको फायरिंग शुरू कर दी। तो बच्चा बाइक पर जा रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था घूमने फिरने, तो लेकिन मैंने सोचा कि भाई थोड़ा फायर करें किल करें, लेकिन भाई किल तो किए, उल्टा बोल दिया, फायर तो किए लेकिन किल ना हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी जान बचाई और जान बचाते प्रोपर मैं हेडशॉट मारने की जैसे ट्राई की तो उसने मेरे को क्या कर दिया, डाउन। ये जो पिटा है ना ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसलिए समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो गाइज क्या समझ रहे हो ना। तो यार मेरे को मेरे टीममेट ने रिवाइव किया, तो मैंने उसको कहा कि थैंक यू यार रिवाइव करने का, बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसके बाद हम में आके शक्तिमान वाली पावर, क्योंकि भाई ड्रैगन अप चाहिए थी तो बनती है पावर भी। तो भाई गोली नजर ही एक डाउन किया हमने, क्योंकि टीममेट ने तो उसको डैमेज दे ही चुका था। हमने कहा चलो किल क्यों ना चुराया जाए, तो उसको तो पिया के लिए ख़त्म कर दिया मैंने पहले को। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा लेफ्ट साइड पर एक एनिमी भागता हुआ जा रहा था ऊपर की तरफ। मैंने सोचा इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, इसको भी लेफ्ट से फायर जाए, लेकिन इतने में मेरे जो टीममेट की बत्ती गुल कर दी, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी से रिवाइव किया। रिवाइव करके मैंने कहा घोंचू साइड पे हो जा, तो उसके बाद मैंने किल करने की ट्राई की, लेकिन उसने ग्लू वाल लगा ली। तो ग्लू वाल को फोड़ते हुए मैंने उस एनिमी को किल करने की ट्राई की, लेकिन वो नीचे भागते हुए, लेकिन मैंने उसको फिर घुटनों के बाद डाउन कर दिया। डाउन करते ही मैंने किल किया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि दोबारा से रिवाइव कर दे और बाद में मेरे टीममेट को किल करके किल चुरा ले, तो ऐसा तो मैं होने दे नहीं सकता। तीसरा भागते हुए मैंने उसको पीछे से गोलियां मारी, उसको भी डाउन कर दिया। तो तीन तो मैंने यहाँ पे फड़का दिए एनिमी, लेकिन नंबर जो फोर्थ है यार वो मेरे को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन खैर तीन किल चुराने का मज़ा ही अपना है। तो दोस्तों एक मज़े की बात, जब मैं इनको किल करने के बाद नीचे जा रहा हूँ तो नीचे जो ड्रॉप पड़ा हुआ है, यानी कि ड्रॉप बोल दिया, जो मेरी वहाँ पर एक डब्बा पड़ा हुआ है डेथ बॉक्स, वहाँ से मुझे मिल गई ड्रैगन अप। तो क्योंकि मैं ड्रैगन अप ढूंढ रहा था तो ड्रैगन अप फाइनली मुझे मिल चुकी है। तो ड्रैगन अप मिलने के बाद हम ट्राई करेंगे अपनी जो गन को, हमको एनिमी मिल चुका है, चलें इसको किल करते हैं। 79+238 का हेडशॉट, तो मतलब यार काफ़ी ओपी गन है। थोड़ी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम इसका ज़रूर है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम है, लेकिन यार मेरे को फील नहीं हुआ कि इसकी एक्यूरेसी कम है। मैंने काफ़ी दूर से लॉन्ग रेंज से भी हेडशॉट मारे, काफ़ी बेटर लगे। अभी तक तो मैंने उसकी यानी कि एबिलिटी भी यूज़ नहीं की जो कि न्यू करेक्टर, तो यार पुराना करेक्टर है, सॉरी न्यू बोल रहा हूँ एक्यूरेसी वाला, लेकिन उसके विदाउट एक्यूरेसी वाले करेक्टर के बिना भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस गन की। मुझे लगा था कि एक्यूरेसी कम है तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है हेडशॉट में, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है, इतनी भी बुरी नहीं है। बाकी लॉन्ग रेंज भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन एनिमी अगर भाग रहा होगा तो आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देख सकते हैं एनिमी रन कर रहा है तो यहाँ से फायर लगने में काफ़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे बाय द वे जो गन है काफ़ी बेटर है, अगर कम डायमंड पर निकलती है तो अच्छी है, अगर ज़्यादा डायमंड लगते हैं तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। कम डायमंड में निकले यानी कि अगर आप इसमें वेस्ट करना चाहें तो 500 डायमंड तक लगा सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डायमंड भी खर्च ना करें क्योंकि इसके बाद आपको डबल रेट ऑफ फायर इस तरह ही काफ़ी अच्छी अच्छी गन देखने को मिलने वाली है फ्री फायर के अंदर। क्योंकि फ्री फायर में पहले शुरू में स्टार्टिंग में इतनी अच्छी गन नहीं आती है, लेकिन जब वो आ जाती है लोग उस पर डायमंड लगाते हैं, उसके बाद आपको बहुत बेटर एबिलिटी वाली गन देखने को मिल जाएंगी। डबल रेट ऑफ फायर, डबल डैमेज, आर्मर पेनिट्रेशन डबल।
पेनिट्रेशन थोड़ा स्लो बोल दिया, कभी कभार अटक ही जाता हूँ यार। तो यार इस तरह आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी नहीं, अगर जल्दी है तो आप इस गन को निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं ट्राई करूँगा शाम को के बाद रिएक्शन वीडियो बनाई जाए, तो पी आर जी आर्मी भी अपलोड करने की ट्राई करूँगा विदाउट फेस कैम। तो बस यार बहुत जल्द फेस कैम भी करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आगे चलकर, क्योंकि यार मेरा पीसी रेडी हो रहा है, तो पीसी आ चुका है, उसके बाद माइक वगैरह भी आ चुका है। तो यार हमारी जो वॉइस है, जो बेकार सी वॉइस है, आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कुछ दिन के बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत सेटिंग कर रहा हूँ अपनी, जो आवाज़ को थोड़ी सुरीली बनाएंगे। तो बस यार हंसी निकल जानी है मेरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलेंगे सुबह की वीडियो तो हो चुकी है रात की वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।